अभी आप देख सकते हैं मेरे गाड़ी में सेंसर एक्टिवेटेड नहीं है, तो मैं अभी गाड़ी में कुछ भी ऐसे ऐसे करता हूँ या ज़ोर से ठोकता हूँ इसको, तो कुछ भी असर नहीं हो रहा, कोई सायरन नहीं बज रहा। मैं आपका गाड़ी का कांच भी तोड़ दूंगा तो कुछ भी असर नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है, शॉक सेंसर एक्टिवेटेड नहीं है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना गाड़ी को रिमोट से अनलॉक करेंगे। अनलॉक हुआ, फिर आपको क्या करना है, इग्निशन को ऑन करना है, ऑफ करना है, फिर आपको चार बार ये स्विच को दबाना है, अलार्म स्विच को, 1, 2, 3, 4 और पांचवा में होल्ड करके रखना है। चार बार ये आवाज़ सुनाई दिया, फिर आपको लॉक बटन दबाना है। लॉक बटन दबाने के बाद आपको एक चिप का सुनाई दिया, आपका अलार्म सिस्टम जो है एक्टिवेटेड हो गया है। फिर आपको ये जो स्विच, इसको छोड़ना है, आपने छोड़ा और आपका जो शॉक सेंसर एक्टिवेटेड हो गया है। फिर आपको एक बार इग्निशन ऑन करना है, ऑफ करना है, बस आपका क्या है, शॉक सेंसर एक्टिवेटेड हो गया। अब आप गाड़ी को बंद कीजिए, गाड़ी को रिमोट से लॉक कीजिए। रिमोट से लॉक करेंगे तब भी आपका शॉक सेंसर एक्टिवेटेड रहेगा, चाबी से बंद करेंगे तो शॉक सेंसर आपका एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको कम से कम 10-20 सेकंड आपको होल्ड करना है। चलिए अब कम से कम 20 सेकंड हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको टैप करके। ये देखिए, छूते ही गाड़ी को आवाज़ सुनाई दे रहा, तो यहाँ मैं छूता हूँ और मैं बहुत तेज़ का मारूँगा तो देखिए क्या होगा। ये देखिए सायरन बजने लगा इसको। आपको फिर बंद करने के लिए क्या करेंगे, फिर अनलॉक बटन दबाएंगे। अनलॉक बटन दबाते ही आपका सायरन क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अब मैं बताता हूँ कि इसको आप फिर ऑफ़ कैसे करेंगे। अब आप एक्टिवेट तो कर दिए हैं, ऑफ़ कैसे करेंगे, ऑफ़ करने के लिए भी वही प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिमोट से अपना गाड़ी को अनलॉक करेंगे। मैंने गाड़ी को अनलॉक कर दिया, फिर आप बैठेंगे गाड़ी में, एक बार इग्निशन ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, फिर इसको दबाएंगे, 1, 2, 3, 4 पांचवा में होल्ड करेंगे, चार बार आवाज़ सुनाई दी, फिर अपना लॉक बटन दबाएंगे, दो बार आवाज़ सुनाई दी यानी कि आपका शॉक सेंसर डीएक्टिवेट हो गया है। फिर आप अपना अलार्म स्विच छोड़ेंगे, आपका शॉक सेंसर जो है डीएक्टिवेट हो गया है। अब आपका कोई भी ठोकर मारे या कुछ भी करे तो कुछ आवाज़ नहीं सुनाई देगा। अब अपना इग्निशन को ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, बस। अब देखिए मैं गाड़ी को अपना लॉक कर दिया मैंने, रिमोट से लॉक किया है। अब मैं कुछ भी करता हूँ गाड़ी में, कुछ असर नहीं होगा। तो यही खासियत है आपको शॉक सेंसर की। चलिए, थैंक यू, होप आप समझ गए होंगे।